तो इस टॉपिक में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है दोस्तों। किसी भी फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक टाइप का फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरे टाइप का फंक्शन होता है इम्प्लिसिट। वैसे तो हमें इस टॉपिक में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में समझना है, बट हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन पर ही आते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो टाइप के फंक्शन होते हैं जहां पर हमारे पास एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस टाइप के फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, वाई प्लस एक्स इक्वल टू थ्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं एक्स और वाई को किसी भी एक दूसरे की फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूँ। इन फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन। आइए दोस्तों, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जहां पर एक्स और वाई में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, टू एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई। और एक फंक्शन लेते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए आप एक्स और वाई में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, थोड़ा रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर मैं इस वाले टर्म्स में एक्स को वाई के फॉर्म में और वाई को एक्स के फॉर्म में लिखूं तो काफी मुश्किल हो जाएगी मुझे मुझे साइन इनवर्स तक चला जाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? तो यहां पर प्रॉब्लम यह आती है इन दोनों टाइप के फंक्शंस में कि हम इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है निकालना काफी आसान है। अगर हम फंक्शन लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहां पर डी वाई बाय डी एक्स दोनों तरफ करें तो यहां मिलेगा मुझे वन। ऐसे ही अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डी वाई बाय डी एक्स निकालू, यहां मिलेगा मुझे टू एक्स। जो डेरिवेटिव है वो 2x मिलेगा। इस तरीके से मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल देता हूँ। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर करने जाऊँ तो मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम होगी, और मुझे किस तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हैं, और जैसे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ एक्स वाई, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से निकालूंगा, ये हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो आपको मैं इस कंसेप्ट पे ले चलता हूँ दोस्तों, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे और क्या बेसिक फंडामेंटल रहते हैं। तो एक फंक्शन ले लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। बड़ा ही टिपिकल फंक्शन है। यहाँ पर एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि साइन के अंदर देखिए एक्स वाई दोनों पड़े हुए हैं, तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन जाता है। आइए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों इसका डेरिवेटिव? हम दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से, दोनों साइड में, एलएचएस साइड में भी और आरएचएस साइड में भी, दोनों साइड में इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे। दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे किस तरीके से? एक्स प्लस वाई यहाँ पर है, मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है इसका। मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों साइन ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हम जानते हैं। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर दोस्तों हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल का कंसेप्ट ये होता है कि पहले हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, और फिर इसके अंदर जो पड़े हुए फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव वन बाय वन निकालते हैं। तो यहाँ पर जब चेन रूल लगेगा, उसके बाद इसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा कॉस एक्स वाई। ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर हमें एक्स वाई के डेरिवेटिव भी निकालने हैं। एक्स वाई के डेरिवेटिव कैसे निकलेंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दैट इज अगर डी बाई डी एक्स का निकाला है तो वो वन हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस ऑफ वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। ये यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों वन माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, ये यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई यहाँ पर है, और ये वाला जो वन है ये राइट साइड में चला जाएगा, माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा।
तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू आ रहा है वाई कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई। इस तरीके से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का। हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट चेन रूल से हमने ये जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग है इसको ड्राइव किया। ये दोस्तों इसका एक की फैक्टर है जिसने हमें ये बताया कि साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव किस तरीके से निकलेगा। और फिर हम सभी टर्म्स को एक तरफ ले गए, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर देखिए दोनों साइड में आया है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में भी वाई वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो हम दोनों तरफ ले गए। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, और फिर अल्टीमेटली जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन को ड्राइव करेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक और डेरिवेटिव निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3ax y। दोस्तों इस फंडामेंटल का, इस एक्सप्रेशन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे। इसके लिए वही अपना फंडामेंटल है, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों में निकालिए। किस तरीके से निकलेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इजिकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3ax y। दोस्तों इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं। 3x² इसका डेरिवेटिव है, प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स। गौर कीजिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस ऑफ एक्स वाई का निकालेंगे, एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ऑफ वाई हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वन बनाएंगे, इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है। और इस केस में भी देखिए दोस्तों, गौर कीजिए, एक्स बाहर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स वन आएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड में ले जाए, कैसे, 3y² प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3ax डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और जो सिंपल टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे, 3ay माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 3x², ये वाली जो टर्म्स हैं ये एक तरफ आ जाएंगी। दोस्तों इस तरीके से हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, और यहाँ पर गौर कीजिए ये जो चीज़ है ये हमने सिंप्लीफाई होके निकाल ली, डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली, हम इसको एक बारी फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, क्या था हमारे पास। हमने बेसिकली फंक्शन को दो हिस्सों में बांटा था, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। और फिर हम बता रहे थे कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट फंक्शन में डायरेक्टली एक्स और वाई में देखिए डायरेक्ट रिलेशन बनता जा रहा है, और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि वहां पर जो एक्स और वाई हैं बाउंडेड हैं एक दूसरे के साथ किसी और एक किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में। और फिर अल्टीमेटली दोस्तों यहां पर हमने जब उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करी, तो हमने जो फंडामेंटल यूज किया वो ये यूज किया, हमने एग्जांपल जब लिया था कि हम दोनों तरफ डी वाई बाय लेके चलेंगे, एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड में। यहाँ पर हमने दोस्तों जो एक्स वाई कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट था उसको चेन रूल के थ्रू ड्राइव कर लिया, और फिर अल्टीमेटली सिंप्लीफाई किया तो हमें डेरिवेटिव मिल गया। ऐसे ही हमने दूसरे एग्जाम्पल में भी किया, और इस तरीके से हमने इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया। आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंड लगी होगी इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।